भी हम आपको कुछ क्रिकेट के मामलों से अपडेट करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी अजम सेठी ने नई कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है और इसमें चीफ सेलेक्टर हैं हारून रशीद, वो तो होंगे ही, उनके साथ टीम डायरेक्टर मिकी आथर और हेड कोच ग्रांट बर्डमन भी शामिल है, ब्रैडमन भी शामिल है। चौथा नाम है हसन चीमा का, जो बतौर डेटा एनालिस्ट कमेटी का हिस्सा होंगे और डेटा एनालिस्ट की शमूलियत पर क्रिकेटिंग कम्युनिटी की जानिब से जरा मिक्स्ड रिएक्शन से सामने आ रहे हैं। वाई नॉट, और ख़ासतौर पर हमने PSL के वक्त देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो डेटा एनालिसिस पे बड़ा काम करती है कि किस द वे इट हैज़ बिन डन, तो लिहाजा मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि खबर हमारे पास और भी है और हिमायत करने वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जदीद क्रिकेट में ऐसे एक्सपर्ट ही रिकॉर्ड और डेटा की मदद से बता सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस फॉर्मेट किस तरह की पिचेस पर बेहतर साबित होता है। Exactly, जो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, साइंस है तो साइंटिफिक तरीके से ये सिलेक्शन भी होनी चाहिए ना। और दुनिया बहुत से और स्पोर्ट्स में भी ये कर रही है, तो वाई नॉट हमें भी इसको इंक्लूड करना चाहिए। और इस आइडिया के मुखालिफ समझते हैं कि इस तरह मखसूस प्लेयर्स मखसूस हालात में फिक्स कर दिए जाएंगे और उन्हें हर जगह अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। ओके फाइन, वो कह रहे हैं वो एक ही जैसे हो जाएंगे। एक एक दफा तो दो दफा तो मेरा ख्याल है तमाम किस्म के एनवायरनमेंट्स में उनको चांस देंगे, अगर वो क्लिक कर गए तो ठीक है, अगर नहीं किए तो फिर क्यों टीम का नुकसान करके उन्हें चांस दिए चले जाएं। एग्जैक्टली, पता चल जाएगा ना इस तरह के वो फिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे उसके बाद। और इसी तरह दो फॉरेन कोचेस डोमेस्टिक क्रिकेट पर ऐसी नज़र और ऐसे रबते नहीं रखते कि नए आने वाले खिलाड़ियों को जज कर सकें। वैसे इसमें जान है इस आर्ग्यूमेंट में, ऐसे फैसला साजों की मौजूदगी में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का कौमी टीम तक जाना मुश्किल तर हो जाता है। इसके लिए आई होप कि कोई निज़ाम वज़ा किया होगा, नजम सेठी साहब की नज़र में कोई प्लान होगा, इस पर ज़रा बात करते हैं, एक्सपर्ट राय लेते हैं। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजाक भाई बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया होगा, खबर आप तक पहुंच गई होगी, इसमें एक नाम है हसन चीमा साहब का जो डेटा एनालिस्ट के तौर पर अब आए हैं सामने। मॉडर्न क्रिकेट में आपको पता ही है डेटा एनालिस्ट की बड़ी अहमियत बहुत से मुल्कों में है। आपको लगता है कि इट वॉज हाई टाइम कि हमारे यहाँ भी अब ये रोल फुल फ्लेज कोई निभाए? देखिए, कुछ चेंजिंग लेके आ रहे हैं और डेटा का फायदा तो होता है, पर ये कि ये क्रिकेट ऐसी है इसमें हर दिन प्लेयर जो है ना अपनी पोटेंशियल वाइज उसको में चेंजिंग्स आती हैं और जैसे दूसरे मुल्क करते हैं डेटा वाइज पे ज़्यादा सेशन करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस ये है इसकी परफॉर्मेंस ये है, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने के लिए ये चीज़ देखे आए हैं। पर ये कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है हमेशा नज़र से सेलेक्ट हुई है और जितने भी प्लेयर्स आए हैं जिन लोगों को नज़र की बेस पे सेलेक्ट किया गया है उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस कमेटी में हारून रशीद के अलावा दो फॉरेन कोचेस भी हैं और ये लोग कौमी टीम के लिए तो ऑब्वियसली बेहतर ही सोचते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जाहिर है डोमेस्टिक क्रिकेटर क्रिकेट पर वैसी उनकी नज़र नहीं होगी जैसे किसी लोकल की हो सकती है, तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेटर क्रिकेटर्स के लिए कौमी टीम तक पहुँचना मुश्किल नहीं हो जाएगा इस वजह से? डेफिनेटली देखें, अब जो है हारून रशीद साहब उन्होंने चेयरमैन बनाए हैं क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी अवेयरनेस भी है, और मेन यही है कि हमारे इर्द गिर्द तकरीबन 20 से 25 प्लेयर ऐसे घूम रहे हैं जो परफॉर्मर भी हैं और डोमेस्टिक में खेलते भी आ रहे हैं, तो जो बात जो नई चीज़ ये है कि ये न्यू प्लेयर जब आते हैं तो उनको कैसा रिस्पेक्ट दी जाती है, उन पर कैसी नज़र रखी जाती है और उनको कितने मैचेस मिलते हैं, ये असल काम है कि उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस में अगर टीमें बनानी शुरू कर देंगे तो वो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाती। अच्छा, अब अब्दुल रजाक भी बताएंगे, वैसे तो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के लिए टीमें और खिलाड़ी गिने चुने ही हैं और अंदाज़ों के मुताबिक लिटरली सबके नाम सामने आते हैं, लेकिन एक बहस फिर से जन्म ले रही है वो है कप्तानी की बहस। आपकी नज़र में अब भी बाबर आजम ही बेस्ट चॉइस हैं या फॉर्मेट्स के हिसाब से अलग अलग कप्तान होने चाहिए? बाबर इज़ द बेस्ट, लेकिन हम डिफरेंट फॉर्मेट्स की बात करें। देखिए, जब आप बिलीव करते हैं कि हर चीज़ हमें नई लेके आनी है, चेंजिंग लेके आनी है, तो आप क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए आप सोच रहे होते हैं, और अगर आपने अपनी सोच को वहीं पे रखना है
कि हम वहीं पर रहें, कहीं बाबर आजम को हटा दें, उसकी जगह नया कैप्टन आ जाए, तो कैसे इम्प्रूवमेंट होगी? आपको चाहिए कि उसको फ्री हैंड दें और उसको ये जो टैग लगा हुआ है कि उसको हटाने का, ये खत्म कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सोचना चाहिए कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये जो बहस है इसको खत्म कर देना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि बाबर आजम ही पाकिस्तान के कैप्टन है और आगे फ्यूचर में भी पाकिस्तान के कैप्टन रहेंगे, और अगर टीम नंबर वन पे आती है या परफॉर्मेंस उसकी बहुत बेहतर हो जाती है, वर्ल्ड कप जैसे आ रहे हैं, अगर पाकिस्तान जीती है, तो मैं नहीं समझता कि फिर ऐसी बहस होनी चाहिए। ऐसी कंट्रोवर्सी को खत्म कर दें बिल्कुल। तो बाबर आजम ही कैप्टन है और बाबर आजम ही कैप्टन रहेंगे, इससे आगे हमें सोचना चाहिए। सही जी, अब्दुल रजाक भाई की तो राय सामने आ गई, बहुत से लोगों की ऐसी ही राय है। right. जो बहस है ना कप्तानी वाली, अभी बाद में होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए, अभी नहीं, अभी बाबर आजम इज द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।